हेलो यस सर, यस सर, हाउ आर यू गाइस? यू ऑडिबल? यस सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। कैमरा को स्विच ऑन करें एंड ये बताएं प्रीवियस क्लास में कहाँ तक पढ़ा हमने। आई थिंक लिमिटेशंस हो गई थी हमारी, लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, यस और नो? यस सर। एक होमवर्क जैसा कुछ दिया था मैंने, केमिकल इक्वेशन की वर्कशीट, तो उसमें डाउट है। हाँ डाउट है, जस्ट अ मिनट। सर सबमिशन का डेट कल था बट मैं सबमिट नहीं किया क्योंकि डाउट था इसके लिए। डाउट हो तो जितना हो उतना सबमिट कर देना, जितना सॉल्व किया हो। ओके सर, शुभम, निश्चय, लावण, ठीक है सर, अभी कर सकते हैं। कृष, हर्ष, हर्ष, हमशिनी, शिवम, फोरमी, धीरज, धैर्य, आयुषी, अभिशान, अल्पेश, अगस्त्य, इन लोगों ने सबमिट नहीं किया है। सर अभी कर दूं तो चलेगा? चलेगा, ये फर्स्ट टाइम है इसलिए छोड़ रहा हूँ मैं, लेकिन सेकंड टाइम से अगर असाइनमेंट सबमिट नहीं होता है टाइम पे या वर्कशीट टाइम पे सबमिट नहीं होते हैं, ठीक है, तो आप, मैं पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन भेजूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है? सर वो एक्चुअली अल्पेश पटेल वाला जो यूजर है ना, वो मतलब मैंने पापा के फोन से किया था तो इसलिए उनका आ रहा है, तो उस पे से सबमिट नहीं होगा, मतलब उस पे से होमवर्क सबमिट नहीं करूंगा। वो किसी के भी नेम से करते हो, मुझे वो कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन सबमिट नहीं करते। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरे दो डिवाइसेस है उसमें, इसलिए तो आज मैं पापा में से उसमें लॉग आउट कर दूं। ठीक है, चलिए। हाँ डाउट पूछिए सर। रियल में वो ओके, जिससे पहले पूछा वो सर, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियरली नहीं दिख रहा, मतलब उसमें एस है नहीं, ये होना चाहिए था। हाँ सर, यस सर, थोड़ा इशू है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये होना चाहिए था, सी प्लस एस एट दैट गिव्स सी एस टू। ओके, तो यहाँ पर 4 लग जाएगा, यहाँ पर 4 लग जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये होना चाहिए था, स्किप कर दो इस क्वेश्चन नंबर 5 को। ओके नेक्स्ट बताइए सर। 33 सर, 34 सर, 21 और वो, हाँ उसमें सर, उसमें हमें डाउट था कि वो जो कंबशन किया है डिकेन का, तो डिकेन का CO2 प्लस H2O है, तो फिर बाद में थोड़ा बहुत सा ये से प्रॉब्लम आया था। अरे बताओ क्वेश्चन नंबर, बताओ तुम। 21 डिकेन, हाँ तो उसमें है ना हमें 2 लगाना पड़ रहा है, तो फिर बाद में मेरा, मेरे को ये पूछा था क्या हम फ्रैक्शन वाला लगा सकते हैं? लगा सकते हो फ्रैक्शन वाले को, पूरे से 2 से मल्टीप्लाई कर दो फिर पूरी इक्वेशन को फ्रैक्शन वाला करके। नहीं सर, आपने बोला था ना कि ऐसे, आपने पढ़ाया नहीं था ना, इसलिए फिर बाद में अभी पूछा, मतलब हमें, हमने ना 2 से ही किया था। 17 वाला C6H6 ये वाला, C6H6 that gives CO2 plus H2O. तो ब्राउन कलर विजिबल है ब्लैक स्क्रीन पे, कलर चेंज करूं? नहीं नहीं सर, विजिबल है सर, 1.1.6.3। ओके, अब सबसे पहली चीज कार्बन को बैलेंस करो, यहाँ कार्बन को बैलेंस किया 6 आ गया, हाइड्रोजन को बैलेंस करो 3 आ गया, ठीक है। ऑक्सीजन देखो अब कितना हो गया, कार्बन हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 12 प्लस 3 15 हो गया, ठीक है, 3 इधर 12 इधर, यहाँ पर 7.5 लगा दूं तो क्या इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी मेरी? हाँ सर, अगर मैं यहाँ पर अगर 7.5 लगा देता हूँ प्लस 7.5 O2 कर देता हूँ तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। हाँ सर, बट सर पॉइंट फाइव लगा सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं, पॉइंट को आप होल नंबर में कन्वर्ट करना, तो इसको किससे नंबर मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना? यस सर, 215 12 6, ठीक है, तो सर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी को करके दे जाओ,
सबके आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सबके कोएफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 215 नहीं लगा सकते थे, 15 O2 प्लस 12 CO2 प्लस 6H2O. किसी का एक क्वेश्चन और आया था कि सर C6H6 पॉसिबल है क्या? यस, C6H6 इज पॉसिबल, इट इज कॉल्ड बेंजीन. ओके, मेरे पास व्हाट्सएप पे आया था किसी का क्वेश्चन ये कि C6H6 कैसे होना चाहिए, कि सिंपल है, रेशियो में CH होना चाहिए था, 6 और 6 आपस में कट हो जाना चाहिए, पर नहीं होगा. दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजीन. ओके सर. हाँ, मैं दूसरा डाउट ये था कि जैसे कि इथेन ये होता है, तो अगर हम उसमें 2 लगाए ना, तो बिना 2 के भी यूएसए सॉल्व हो जाता है, तो मैं डाउट है ऐसा, तो हम 2 कौन से सिचुएशन में लगाए और 2 कब लगाना चाहिए? कौन सा डाउट है? जैसे कि अभी आपने 17 वाले में 2 लगाया ना, तो 5 2.5 3.5 4.5. सारे कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर. हाँ सर, एक कोफिशिएंट को उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो रॉन्ग हो जाएगा वो. ठीक है. हाँ, और कुछ सर? आप यू से 15/2 भी लगा सकते थे ना 17 में O2 पे. क्या मेरा आ गया था H2, okay. LI तो बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2. ठीक है, क्या करें, कैसे बैलेंस करें? 2, 2, 2, 1. यहाँ पर 2 लगा देते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं. देखो, हाइड्रोजन 4, लिथियम 2, ऑक्सीजन 2, बैलेंस हो गया. मेघ, मेघ, इज माई वॉइस ऑडिबल टू ऑल? मेघ इज नॉट रेस्पॉन्डिंग इन क्लास. बेटा माइक को अनम्यूट करो, फिर बात करो, तुमसे 2 मिनट बात करनी है. सर, जब इथेन का कंबशन होता है तब उसमें 2 वाला क्यों नहीं लगता? यार बेटा, अभी मैंने क्या बताया, जहाँ पॉइंट में आ रहा वहीं लगेगा, जरूरी है क्या सब में लगेगा? नहीं सर, ऐसे पूछा था. सर? हाँ इशिता. सर इस वाली इक्वेशन में मैंने लिखा है 6, 6, 6 और 3, तो सर वो आंसर भी राइट है कि नहीं? और 3, और लास्ट में क्या आया सर? 6, 6, 6, 3 है ना? नहीं, मैंने क्या बोला, हमेशा ये किसमें होने चाहिए? सिंपलेस्ट रेशियो में होना चाहिए. ठीक है, आप खुद देख लो, अगर इस तरह से बैलेंस करी तो अगर सिंपलेस्ट रेशियो निकल रहा तो निकाल दो, निकाल के लिख दो इस तरह से सिंपलेस्ट रेशियो निकाल के, कहता हूँ. ठीक है तो हम ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, वो सिंपलेस्ट रेशियो में होना चाहिए. ठीक है. और सर वो आप बता रहे थे कि पॉइंट्स में भी हम लिख सकते हैं, तो वो हम पॉइंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं? पॉइंट को फिर मल्टीप्लाई कर दो ना, होल नंबर बना दो उसको. ओके सर. उसके बाद में सर 24 में डाउट है. 24 34 क्या है हमारे पास में? CH3PO4 whole twice plus SiO2 plus carbon that gives CaSiO, कितना है ये? 3 है ना, plus CO
प्लस पी, ठीक है। सबसे पहली चीज यहाँ पे फॉस्फोरस कितना है, टू है। जो चीज इजीली बैलेंस हो जाए पहले उसको बैलेंस करने का, ठीक है। कैल्शियम यहाँ पर थ्री हो गया, सिलिकॉन यहाँ पर थ्री हो गया, ठीक है। अब देखो कार्बन का ऑक्सीजन कितना है, देखो इस साइड में ऑक्सीजन कितना है, टू। ऑक्सीजन कितना है, एट प्लस टेन, थ्री इंटू टू सिक्स, सिक्स फोर्टीन ऑक्सीजन, ठीक है। यस यस, इस साइड ऑक्सीजन कितना है, सिक्स सर, नाइन होगा ना, सर नाइन प्लस वन ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं फोर लगा देता हूँ तो कितना हो जाएगा ऑक्सीजन, नाइन प्लस फोर कितना हो जाएगा, थर्टीन। फाइव लगा देते, फाइव लगा देते हैं और फाइव हो गई बैलेंस, ठीक है। आपको हमेशा आइडेंटिफाई करके ढूंढना पड़ेगा कि मैं सिंपलेस्ट सबसे इजी नंबर कौन सा ले सकता हूँ, सबसे इजी किसको बैलेंस करना रहेगा। अगर आपने यहाँ पर बैलेंस करना है किससे स्टार्ट कर दिया, सपोज कार्बन से, तो इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कार्बन तो ऑलरेडी बैलेंस है। सबसे इजी को बैलेंस करो, कि सबसे इजी कौन है, फॉस्फोरस एक ही बार में बैलेंस हो रहा है। फिर उसके बाद में अगर आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने लगे तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको इधर भी देखना है, इधर भी देखना है। आप ऐसी चीज को बैलेंस पहले करो जो एक ही जगह पे बैलेंस हो रही है, जैसे कैल्शियम, कहीं और है ही नहीं, उसके बाद में सीधा कैल्शियम को बैलेंस करो, आगे का रास्ता आपको अपने आप पता लगता रहेगा। समझ में आया? यस सर। चलिए और पूछिए। 24 क्या है, C2H6 ओके प्लस O2 दैट गिव्स कंबस्टन रिएक्शन CO2 प्लस H2O। चलो सबसे पहले किसको बैलेंस एग्जी करना रहेगा, ऑक्सीजन को करें या कार्बन को करें या हाइड्रोजन को करें? सर कार्बन, कार्बन टू कार्बन को, फिर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को देखो बेटा बैलेंस करने के लिए अपने को हाइड्रोजन दो जगह लगानी करनी पड़ेगी, एक ही जगह हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस हो रहा है, ठीक है। अब बचा सिर्फ देखना है तो ऑक्सीजन कितना रह गया, 4 + 3 = 7 भैया, इसको 7/2 कर दूं, लेकिन सर हमें 7/2 करना नहीं, तो हम पूरे रिएक्शन को 7/2 करना नहीं है तो पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ बस सारे कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गई बैलेंस। हाँ सर समझ में आया? सर यस सर, यस सर। 34 में सर, 34 एक और बार करिए ना, डाउट है। और एक बार वो समझा देता हूँ मैं, 34 के अंदर बेटा देखो खुद ट्राई करो, मैं एक हिंट दे देता हूँ, सबसे पहले उस चीज को बैलेंस करो जो सबसे आसानी से बैलेंस हो जाए। सबसे आसानी से बैलेंस होने वाला इसमें कौन है, फॉस्फोरस एक ही जगह छेड़खानी करनी है, कैल्शियम और सिलिकॉन, क्योंकि इनमें एक एक जगह छेड़खानी करनी है, दो तीन जगह छेड़खानी नहीं करनी है। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस, यहाँ फॉस्फोरस को बैलेंस करोगे तो Ca3PO4 होल ट्वाइस यहाँ पे 2 लगा दो, फॉस्फोरस बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। यस सर, ठीक है। कैल्शियम को बैलेंस करना है, कैल्शियम को यहाँ 3 लगा दो, सिलिकॉन को बैलेंस करना है यहाँ पे 3 लगा दो। अब दूसरी चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करो, इधर टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन काउंट कर लो, उस हिसाब से ऑक्सीजन यहाँ पे फिट कर दो और यहाँ पे कार्बन लगा दो, जितना ऑक्सीजन इधर आए उतना कार्बन इधर लगा दो, हो जाएगी बैलेंस। समझ में आया? यस सर। ओके सर, यहाँ पर CO को 5 से करा तो वो 14 हो जाएगा ना? हाँ, यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखो ना, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन इस साइड में देखो, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन इस साइड में देखो, ठीक है। ओके सर, ओके। और कुछ किसी में डाउट?
सर कैन यू शो द 24th वन अगेन 24th वाला ये रहा क्या है 24th वाला C2S6 का मतलब होता है हमारा इथेन प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई तो CO2 प्लस H2O बना अरे सिंपल है इसमें सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करो फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो और इधर फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो ऑक्सीजन कितना हो गया 4 and 3 7 7/2 या 7.5 कुछ भी कर दो सो ठीक है 7/2 यानी कि 3.5 कर दो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 7 ऑक्सीजन हो गए अब इसको पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4CO2 प्लस 6H2O सर हमने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया बेटा इस 2 को हटाना है ना अपने को ओके सर ओके हाँ आयुषी यस सर थैंक यू चलो हो गया ये हाँ सर कुछ डाउट और कुछ डाउट हो तो पूछो सर हमेशा इक्वेशन सिंपलेस्ट रेशियो में क्यों होना चाहिए सिंपलेस्ट रेशियो में ही होना चाहिए यही होता है रूल है ओके इट्स द रूल कि इक्वेशन सिंपलेस्ट रेशियो में होनी चाहिए ओके यस और कुछ डाउट है या अच्छा केमिकल इक्वेशन का लिमिटेशन अपना हो गया है ना यस सर हो गया सब कुछ हो गया है यस सर लिमिटेशंस हो गए ओके यस सर लिमिटेशंस कंप्लीट हैपेंड तो संडे के टेस्ट में लिमिटेशंस तक आएगा जिसमें बैलेंसिंग भी हो गई सब कुछ हो गया कैमरा सबके फिर से बंद हो गए चलिए स्टार्ट करें नेक्स्ट टॉपिक या कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाए पहले क्वेश्चन तो क्या पूछे 20 मिनट तो निकल ही गए वरना फिर लेक्चर ही एंड हो जाएगा क्वेश्चन पूछने लग गए तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या टॉपिक है अपना टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन पढ़ी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं वो पढ़ा अब अपन देखते हैं कि हमारे पास में जो केमिकल रिएक्शंस है इक्वेशंस है वो कौन कौन से टाइप की होती है तो जो फर्स्ट टाइप की केमिकल इक्वेशन है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन सिंपली नेम से क्रिएटेड है नेम से एक अपने को पता लग रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा इसमें कंफ्यूज कहीं नहीं होना कई लोग EGC रिएक्शन में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट क्या होंगे बहुत सारे होंगे रिएक्टेंट क्या होंगे बहुत सारे होंगे लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा एक सिंगल प्रोडक्ट होगा मैनी रिएक्टेंट सूर्यांश क्या लिख रहे हो yes, sir. क्या लिख रहे हो सर वही टाइप्स ऑफ रिएक्शन अभी ये कॉम्बिनेशन वाला अभी समझ लो ठीक है हेडिंग लगाओ सिर्फ टाइप ऑफ रिएक्शन उसमें फर्स्ट लिखना कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ऐसी रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट तो बहुत सारे हो लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा सिंगल प्रोडक्ट जैसे वो डीकेन वाला था ठीक है जैसे कि कार्बन की रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन के साथ करवा दी तो क्या बन गया CO2 रिएक्टेंट कितने रिएक्टेंट दो है प्रोडक्ट कितना बना ठीक है इसी तरह से नाइट्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा दी NO2 बन गया इट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों रिएक्टेंट दो है और प्रोडक्ट एक इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा रिएक्टेंट दो ही होंगे तीन भी हो सकते हैं चार भी हो सकते हैं पांच भी हो सकते हैं ठीक है अपने को उससे मतलब नहीं अपने पास तो रिएक्टेंट बहुत सारे मैनी रिएक्टेंट बट प्रोडक्ट सिंगल उसको बोला जाता है कौन सी रिएक्शन कॉम्बिनेशन सर मैनी रिएक्टेंट के जगह अगर मोर देन टू लिखेंगे तो कोई दिक्कत भी है क्या मतलब हाँ कुछ भी लिखो मतलब चेंज नहीं होना चाहिए ठीक है
रिएक्ट डेफिनेशन आपकी इच्छा हो जो ओके लिखो, सर एनी रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट बस। ठीक है, समझ में आया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ओके सर मतलब? गॉट इट अगर यस सर रिएक्टेंट दो ही हो, अगर रिएक्टेंट दो ही हो और प्रोडक्ट एक बनवा हो, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थ्री टाइप्स की हो सकती है। कितने टाइप की हो सकती है? थ्री टाइप्स की। ठीक है, फर्स्ट टाइप होता है उसमें एलिमेंट प्लस एलिमेंट, एलिमेंट प्लस एलिमेंट क्या देता है? कंपाउंड बनेगा। क्या बन जाएगा? कंपाउंड का फॉर्मेशन। कंपाउंड जैसे हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, दोनों ने मिलके H2O बना दिया, H2O कंपाउंड है। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, 2 लग जाएगा। ठीक है, लिखना कुछ नहीं है, सारों के नोट्स दूंगा मैं, नोट्स लिखवाऊंगा, डोंट वरी। समझ में आया? यस सर, यस सर। सेकंड टाइप क्या हो सकता है कि एक एलिमेंट किसके साथ रिएक्ट करेगा? कंपाउंड के साथ। और किसका फॉर्मेशन कर देगा? कंपाउंड का। जैसे ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, SO2 के साथ रिएक्ट करता है तो SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, इक्वेशन बैलेंस होगी। समझ में आया? यस। थर्ड, ऑब्वियस सी बात है, थर्ड क्या होगा? कंपाउंड प्लस कंपाउंड देगा, कंपाउंड प्लस कंपाउंड के कंपाउंड साथ, और क्या बना देगा? कंपाउंड कंपाउंड। ऊपर लिख रहा हूं मैं इसका इंक सर, क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, ध्यान है? अमोनिया NH3 का रिएक्शन जब हम HCl के साथ करवाते हैं तो NH4Cl का फॉर्मेशन होता है, पढ़ा था? यस सर। ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, और ये भी कंपाउंड है। समझ में आया? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, कुड यू रिपीट द सेकंड पॉइंट प्लीज? Which one? Element plus compound. Element and compound. Yes, sir. Yes. When elements reacts with a compound, it also form a compound. Like SO2 reacts with oxygen, that gives SO3. Oxygen is an element. SO2 sulfur dioxide is a compound, and it forms sulfur trioxide, which is also a compound. Okay. This reaction is also called synthesis reaction. क्या बोला जाता है इसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके? समझ में आया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब? सिंपली मैनी रिएक्टेंट वन प्रोडक्ट आपस में कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस बना दिया, एक प्रोडक्ट बना दिया, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नोट डाउन कर लो इसको। संडे को टेस्ट की तैयारी हो गई? यस सर, किया भाई। सर इससे पहले वाली स्लाइड दिखाएंगे प्लीज। पहली वाली स्लाइड पे कुछ भी नहीं है बेटा, जस्ट टॉपिक का नेम है। ओके, एक्चुअली आई हैड टू कॉपी दैट कंपाउंड प्लस कंपाउंड मेक्स व्हाट। यस सर, आगे सारा आएगा नोट्स, डोंट वरी। ओके, डोंट वरी, वो नोट्स डिटेल में है। नोट्स जब तक मैं ना बोलूं नहीं लिखना है आप लोगों को रिज्यूल, मैं सारे नोट्स प्रिपेयर है। ठीक है, खुद से बनाओगे तो डिजास्टर हो जाएगा। ठीक है, सारे नोट्स प्रिपेयर हैं, जितना मैंने बताया उससे ज्यादा ही नोट्स हैं। हो गया नोट डाउन? ये नहीं हुआ नोट्स।
हो गया था डन सबका। सर 2 मिनट एग्जांपल होगा सर 1 मिनट डन। सर रुक जाओ रुक जाऊं। ठीक है रुक जाता हूं। हो गया सर। हाँ सर हो गया। ओके चलो टाइप ऑफ रिएक्शन फर्स्ट केस व्हेन टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। ठीक है सर ये भी लिखना है। हाँ सब कुछ लिखना है बेटा सब कुछ लिखना है। नोट्स बनाए इसीलिए कि लिखने हैं। सर एक बार पिछली वाली स्लाइड से दिखाओगे। ठीक है ग्रीषा। यस सर। यस सर हो गया। चलिए सेकंड केस एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन होके क्या बना रहा है कंपाउंड कंपाउंड बना रहा है कंपाउंड। डान तो सर वे सारी लिखी है ना विद नेम क्योंकि इनिशियली बेटा नेम भी पता नहीं होते हैं धीरे धीरे फिर बाद में तो याद हो जाएंगे यू विल रिमेम्बर। हो गया नो सर नो सर प्लीज वेट। ओके हो गया। सर आप प्रयाग उनको अभी भी पढ़ाते हो इनको प्रयाग अनिका वो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा। सर फिर तो अनिका अभी भी उधर की स्कॉलर ही है कि ना। अनिका तो स्कॉलर ही है एज यूजुअल। सर उसके 15 आएंगे ना क्या? हाँ तो अपनी स्कूल वाली है ना और कौन सी। अरे तो दूसरा भी तो हो सकता है मेरे को क्या पता। नहीं अपनी स्कूल वाली है।
उनसे स्कूल है तुम्हारी स्कॉलर है डी आर अमीन डीआर अमीन अच्छा हाँ तो स्कॉलर है ना तेरे को क्या लगा अरे निका ऐसी गर्ल है बेटा वो इंस्पिरेशन है तुम लोगों के लिए उसको होमवर्क दो ना जिस दिन होमवर्क दो उसी दिन वो उसका होमवर्क कंप्लीट होके आ जाता है डाउट भी नहीं होते उसको बाकी लोग तो क्या करते हैं अरे कर लिया लास्ट डेट को अपलोड करेंगे अरे कर लेंगे क्या जल्दी है सर वो तो अपने क्लास में स्कूल में भी चलो नोट डाउन हो गया टाइप टू हाँ सर हाँ सर हो गया हो गया यस सर अनिका तो ऐसे है ना स्कूल में किसी का कैमरा ऑन नहीं रहता ना तो वो अकेली कैमरा ऑन करके बैठती उसको किसी और से फर्क ही नहीं पड़ता सर स्कूल में भी उसके फुल मार्क्स आते हैं आते हैं ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट में आराम से आते ही होंगे उसके आते ही होंगे चलिए नोट डाउन हो गया थर्ड पे चलें टाइप थ्री हाँ सर यस सर रिजुल ये आ गया तुम्हारा इक्वेशन यस सर ठीक है जब तक मैं ना बोलूं तब तक नोट्स नहीं लिखने का ठीक है खूब टाइम अपने पास में खूब टाइम दूंगा मुझे लगेगा कि हाँ फास्ट खींचना है तो मैं नोट्स ऑनलाइन अपलोड कर दूंगा कि बाद में लिखते रहो लेकिन जब मुझे पता है कि जहाँ पे नोट्स लिखवाने हैं वहाँ लिखवाने हैं सर फिर तो वो जैनिल भी होएगा जैनिल भी है ना बेटा हाँ सर तो वो कम्पीट करता है अपने आप को अनिका से अब देखते हैं तुम्हारी क्लास में क्या होता है फर्स्ट टेस्ट होने वाला है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो ठीक है फिर भी तो कितने मार्क्स का होने वाला है मार्क्स तो एक सेकंड जस्ट मिनट में चेक करके बताता हूँ मोबाइल फोन में कंबाइन होगा साइंस का और मैथ्स का दोनों साथ में होंगे ठीक है क्योंकि अलग अलग लेते तो तुम्हारे सब संडे ऑक्यूपाई हो जाते हैं किसी भी संडे को रेस्ट नहीं मिलता तुमको फोर्टी मार्क्स मैथ्स टेन मार्क्स फिजिक्स टेन मार्क्स केमिस्ट्री और टेन फिफ्टीन मार्क्स बायोलॉजी ओके तो मतलब सर, आपने पेपर स्टाइल क्या रखा टेन मार्क्स में कितने क्वेश्चन आएंगे टेन मार्क्स किसमें सर केमिस्ट्री केमिस्ट्री के टेन मार्क्स को बेटा वन मार्क्स में कितने क्वेश्चंस आएंगे वन मार्क के टू क्वेश्चन है टू मार्क का वन क्वेश्चन है और थ्री मार्क के टू है ठीक है टोटल क्वेश्चन फाइव हो गए सर यस टोटल मॉड्यूल बेस्ड है या फिर हमें स्कूल की भी करनी है एनसीईआरटी बेस्ड है बेटा एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो क्लास के नोट्स अच्छे से पढ़ो हाँ सर वो तो हो गया मॉड्यूल की बात थी मॉड्यूल का अभी तक बाहर का कुछ भी नहीं करवाया मैंने जो सब मॉड्यूल में लिखा हुआ है हाँ ये केमिकल इक्वेशन थोड़ी बहुत मॉड्यूल में अलग हो सकती है मेरे नोट्स में अलग हो सकती है एग्जाम्पल्स वगैरह की बाकी टॉपिक सारे मॉड्यूल में अभी तक कवर किया हमने ठीक है जो चीजें मॉड्यूल में वो सारी चीजें इधर भी है ओके सर दूसरे सब्जेक्ट्स के टेस्ट नहीं होंगे मतलब सोशल साइंस इंग्लिश वो भी होगा बेटा वो भी होगा ओके सर ओके ऐसा सर इंग्लिश का टेस्ट भी होगा चलो हो गया ये थर्ड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन केस थ्री हाँ सर हो गया सर एक मिनट सर केस फोर भी है केस फोर नहीं है हमने पढ़ा क्या केस फोर यहाँ स्ट्रॉन्ग के हीटिंग की जगह आप वो वाला ट्राइंगल वाला सिंबल भी बना सकते हो चलेगा दोनों में से कुछ भी एक करके आ जाओ चलेगा यस सर हो गया हो गया हाँ सर हाँ सर हाँ सर एक मिनट सर एक डाउट है हाँ पूछिए सर जब भी हम दो चीजों को मिला के हीट करते हैं हाँ मतलब किसी भी एक चीज को हीट करते हैं तो दो चीजों में बट जाता है हाँ तो इसमें उल्टा क्यों है इसमें ये CaO + CO2 यहाँ पे ये दोनों मिक्स हो रहे हैं बेटा ठीक है वो अलग टाइप की रिएक्शन होती है जो बटने वाली रिएक्शन होती है ओके वो सर डीकंपोजिशन बोल रहा है कि
डीकम्पोजिशन, वो अलग टाइप की रिएक्शन होती है। नेक्स्ट टॉपिक वही अपना, ठीक है। चलो अगला देखें। हाँ सर। अब देखते हैं इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एप्लीकेशन, दैट इज स्लैकिंग ऑफ लाइम। कौन सा प्रोसेस है? स्लैकिंग ऑफ लाइम। स्लैकिंग ऑफ लाइम का मतलब क्या होता है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे तो CaOH होल ट्वाइस बनता है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज स्लैकिंग ऑफ लाइम। कैसा प्रोसेस है बेटा, याद रखना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। ये इतनी हाई अमाउंट में हीट एनर्जी यहाँ पे इवॉल्व होती है कि ये जो वाटर है ना, दैट स्टार्ट बॉइल। क्या होना स्टार्ट हो जाता है? वाटर बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर निकलता है। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो क्या ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? यस, इट इज ऑल्सो ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। CaO रिएक्टेंट एक और दो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट एक बना। हीट को प्रोडक्ट में काउंट नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हीट को भी प्रोडक्ट में काउंट कर लो। अब ये जो CaOH होल ट्वाइस है, इसको हम क्या करते हैं? वॉल्स पे अप्लाई करते हैं। कहाँ पे? वॉल्स पे। किसके लिए यूज लेते हैं इसको? वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग, सॉरी, व्हाइट वॉशिंग के लिए। किसके लिए यूज लेते हैं इसको? व्हाइट वॉशिंग। तो ये CaOH को हमने क्या किया? पेंट के जैसे दीवार पे अप्लाई कर दिया, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज ले लिया। तो ये जो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिली इसको? एयर से। एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके साथ रिएक्ट करके दो तीन दिन में, आराम से दो तीन दिन में, एक ही दिन में नहीं, CaCO3 plus H2O का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? CaCO3 plus H2O का। ये CaCO3 का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए वॉल्स पे कैसी अपीयरेंस आ जाएगी? शाइनी अपीयरेंस। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि व्हाई वॉल्स शो शाइनी अपीयरेंस ऑन अप्लाइंग स्लैग लाइम। क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, ए सब्सटेंस एक्स ऑन रिएक्टिंग विद वाटर गिव्स सब्सटेंस वाई। व्हेन वी अप्लाई सब्सटेंस वाई ऑन वॉल्स, इट गिव्स शाइनी अपीयरेंस। आइडेंटिफाई सब्सटेंस एक्स, सब्सटेंस वाई, ऑल्सो राइट केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, आई बात समझ में? सर नोट डाउन करना, नोट डाउन करना है। हाँ सर, जो पानी मतलब जो वाटर होता है, फॉर्म होता है, वो बहुत सारा अमाउंट ज्यादा नहीं, बहुत सारा अमाउंट में नहीं होता, लिक्विड फॉर्म में आता है, फिर वो इवोपरेट भी हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया भैया? अच्छा स्लाइड एंड हो गई। सर ये क्या हुआ? अच्छा ओके, ठीक है, समझ में आया। एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास कभी भी एंड हो सकती है, जस्ट 2 मिनट रिमेनिंग बचे हैं, उसके बाद नोट डाउन करना स्टार्ट करो। इस चीज से क्वेश्चन बनता है बेटा, बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है इस चीज का, ध्यान रखें। बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अगर एग्जाम हुआ तो। लास्ट ईयर जैसे लक्की हो गए, लास्ट ईयर के बैच के जैसे, तो बात अलग है। सर मेरे को तो बहुत कम चांसेस लगते हैं, क्योंकि अमेरिका में तो क्या बच्चों के लिए वैक्सीन बन गई है। हाँ वो तो ठीक है, अभी सेकंड वेव का भी धीरे धीरे डिफिकल्ट होगा, फिर थर्ड वेव कैसी आएगी पता नहीं। अभी तो सर ये पीक नहीं बोल रहे हैं। हाँ अभी तो सर ये बोल रहे हैं कि अभी जो चल रहा है वो पीक नहीं है। पीक नहीं है, नहीं, कोरोना का पीक आ गया है। न्यूज में तो यही आ रहा है कि पीक आ गया या फिर आ जाएगा, मतलब 15 मई के बाद पीक आ जाएगा। कुछ मेरे मामा बोल रहे हैं कि एक मंथ के बाद पीक आएगा। इसके साथ सर मेरे मामा जी है, वो डॉक्टर है, उन्हें बोला था कि अभी तो कोरोना बहुत इवॉल्व होएगा और देखना कि ये अभी कोई स्टार्टिंग है, ये कोई अभी एंड नहीं है, अभी तो और डेंजर बनेगा। नहीं अभी तो क्या, लास्ट फर्स्ट वेव में तो क्या था, विलेजेस में नहीं था इसलिए हो गया, लेकिन सेकंड वेव में तो क्या है, विलेजेस वगैरह में भी पहुंच गया ये। पहले ये बताओ सबने स्क्रीनशॉट तो लिया ना इसका? हां सर ले लिया। विलेजेस में भी पहुंच गया ये सेकंड वेव में, इधर तो विलेजेस भी कम है, लेकिन यूपी साइड में इस और जो नॉर्थ ईस्ट का उधर बहुत ज्यादा है। अब ये धीरे धीरे इस साइड में शिफ्ट हो रहा है, बंगाल वगैरह उधर बहुत शिफ्ट हो रहा है। मुंबई में जैसे पहले हालत खराब थी, मुंबई में अब कंट्रोल हो गया, महाराष्ट्र में काफी कंट्रोल में वहाँ पे।